जो लड़का लड़की क्लास छोड़ता है वो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। जो लड़का लड़की टेस्ट छोड़ता है वो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। जो लड़का लड़की कोचिंग टाइम स्कूल टाइम में सोशल मीडिया काम लेता है वो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। जो लड़का लड़की नेगेटिव बात करता है वो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। यदि आपके दोस्त हैं तो मैं अनुभव से बता रहा हूं, मेरी जिंदगी में तुम्हें असफल होने से कोई नहीं बचा सकता। जरूरत ही नहीं फिर दूसरे काम करने की। आपका दोस्त गरीब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है उसके बाद चलाते हो रिक्शा, क्या फर्क पड़ता है यार। आज के 20 साल पहले उन लोगों को जानता हूं मैं, आज के 20 साल पहले जो मेरी कोचिंग में कपड़े का थैला लेके आते थे कुछ बच्चे, जानते ना हमारे गांव में पैंट को काट के थैला बना लेते हैं, अब तो जमाने बदल गए, गरीबी में हमने देखा, हमने बचपन दिया ऐसा। कपड़े का थैला लेके जो गार्जियन आते थे आज उनके छोरे कारों में आते हैं और बाप पीछे अकड़े से बैठ के आता है। हमने 20 साल में झोपड़ियों को महल बनते देखा है। इस जिंदगी में गरीब होना कोई मुद्दा नहीं है, उसकी मार्कशीट कैसी है। यहां पैमाना अमीरी का मार्कशीट है, ना कि उसकी जींस की कोस्ट है। इसलिए तुम्हारा दोस्त किस परिवार से है कोई मैटर नहीं रखता है। तेरा दोस्त पॉजिटिव बात करता नहीं करता है, वो कहते हैं ना कि आप दुनिया का सबसे महंगा जूता लेके आ जाओ और दुनिया की सबसे अच्छी रोड पे चलना शुरू कर दो। जूता बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया, दिल्ली या किसी अच्छे शहर की सड़कें बिल्कुल स्मूथ सड़कें हैं, ये किसी एक जूते में दो या तीन कंकड़ डाल दो, एक कंकड़ डाल दो छोटा सा, आप साहब नहीं चल पाएंगे। और जूता चाहे पुराना हो थोड़ा सा, सड़कें उबड़ खाबड़ हो, वो जूता हजारों कंकड़ पे चल सकता है। इसलिए कहते हैं कंकड़ जूते के अंदर ना हो तो हजारों कंकड़ों को जूता पार कर सकता है। इस कंकड़ का मतलब सोच से है। एक कहते ना एक छेद जहाज डुबा देता है। मेरे गांव में कहावत है एक काचरे का बीज 100 किलो दूध को डिस्टर्ब कर देता है। यदि तुम्हारे साथ रहने वाला स्टूडेंट जिंदगी में नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव बात क्या, टेस्ट हुआ नंबर थोड़े कम आ गए और वो आपसे कहे क्या हो गया तो ठीक, कुछ नहीं हो गया, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में पियोन भी चाहिए, चपड़ासी भी चाहिए, रिक्शा चालक भी चाहिए, ये डॉक्टर बनेगा बाहर इसके मेडिकल स्टोर के वाले भी चाहिए, कौन मना करता भाई। दोस्तों नंबर कम आए तो थोड़ा सा तो यूं लगना चाहिए यार क्या हुआ यार, मैं तो अगली बार अच्छा करेंगे कुछ, थोड़े बहुत तो मुठ्ठे बंद आपकी होनी चाहिए ना। और दोस्त कैसा होता है, दोस्त की परिभाषा बताऊं आपको मैं, जो आपको हर समय पॉजिटिव रखे, जो हर समय आपका साथ दे,